हेलो गाइस, तो आज मैं आपको लेकर चलूंगा श्री कैंची धाम परम पूज्य बाबा श्री नीम करोरी महाराज जी के दरबार में। तो सबसे पहले मेरे पेज को सब्सक्राइब कर दें जो लोग नए हैं। कोशिश करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको दिखाने की और बताने की। तो चलिए देखते हैं। हेलो दोस्तों, तो अभी हम आ पहुंचे हैं उत्तराखंड में स्थित नैनीताल जिले में नीम करोरी धाम। और अभी मॉर्निंग हो चुकी है और टाइम तकरीबन 7 बजने वाले हैं। और हम जहां 7 बजने से पहले ही आ पहुंचे हैं, क्योंकि मंदिर के द्वार पूरे 7 बजे ओपन हो जाते हैं, खुल जाते हैं। तो हम गेट खुलने से पहले ही जहाँ पहुँच गए हैं। तो आपको इस धाम के बारे में आपने सुना तो बहुत कुछ होगा दोस्तों। किस्मत बनाने वाले नैनीताल के कैंची धाम के बाबा के भक्तों के नाम सुनकर आप चौंक जाएंगे, जिसमें विश्व प्रसिद्ध मार्क जकरबर्ग, जो कि फेसबुक के ओनर हैं, और अभी हाल ही में जहां पर विराट कोहली और अनुष्का शर्मा भी आके गए हैं। किस्मत बनाने वाले करोरी बाबा, जी हाँ, कहा तो ऐसे ही जाता है, क्योंकि जिसने नीम करोरी बाबा जी के दर्शन कर लिए, समझो उसके उसने अपने बारे न्यारे कर लिए। कैंची धाम वाले नीम करोरी बाबा के अगर भक्तों के आपने नाम सुनेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे। दोस्तों, एप्पल कंपनी के फाउंडर स्टीव जॉब्स, मशहूर हॉलीवुड अभिनेत्री जूलिया रॉबर्ट्स जैसे कई और मशहूर सेलिब्रिटी और बिजनेसमैन बाबा के भक्तों में शुमार है। तो इसीलिए बाबा के इस धाम को किस्मत बदलने का वाला धाम भी बोला जाता है। और अभी जो आप देख रहे हैं वो अंदर की तस्वीर थी। वैसे मंदिर के अंदर फोटोग्राफी अलाउड नहीं है और हम भी इन चीज़ों का पूरा ख्याल रखेंगे। और जो एंट्रिंग गेट है कैंची धाम परम पूज्य बाबा श्री नीम करोरी महाराज, तो जहां से ही आपको होकर मंदिर की ओर जाना पड़ेगा। और अभी हम मंदिर की ओर जा रहे हैं और आपको मंदिर के गेट तक दिखाने की कोशिश करेंगे। कहते हैं कि बाबा लोगों के हृदय को पढ़ लेते थे, बाबा लोगों के दिमाग को भांप लेते थे और एक आशीर्वाद से लोगों की जिंदगी बदल देते थे। ये कहानी दोस्तों एक अमेरिकी प्रोफेसर की भारत यात्रा से शुरू होती है, जो अमेरिका के गणितज्ञ थे और उनके बाद तो ये सिलसिला अभी तक चल रहा है। जो भी आप देख रहे हो, ये मेन मंदिर का द्वार है और इसके आगे फोटोग्राफी की मनाई है। और हम जहाँ पे तकरीबन मॉर्निंग 7 बजे आ चुके थे, और जब हम जहाँ थे सबसे पहले हम ही एंटर किए थे मंदिर के अंदर। और हमने अंदर जाके जहाँ पे हनुमान चालीसा और सुंदरकांड का पाठ भी किया, तो 2-3 घंटे हमने अंदर मंदिर में बिताए, खूब अच्छे से दर्शन किए। तो उसके बाद हम तकरीबन 11:30 जहाँ से बाहर निकले हैं। दोस्तों, बाबा नीम करोली 1962 ईस्वी में कैंची में आए। तब जो कैंची छोटा सा कस्बा होता था, जहाँ पे अभी मंदिर है, जहाँ पे आसपास जंगल ही होते थे, ना ही इतनी आबादी थी और ना ही ऐसी सड़कें थी और ना ही इतने घर थे। और यह देखिए टाइम टेबल लिखा हुआ है जाने के लिए। अगर आप जाना चाहते हैं तो पहले इसको जरूर पढ़ लें, क्योंकि इसमें पूरा विवरण दिया गया है कि सर्दियों में जो टाइमिंग है वो मॉर्निंग 7 से शाम के 6 बजे तक है, और गर्मियों में सुबह 6 बजे से लेके शाम के 7 बजे तक है। तो आप इसको इसके हिसाब से पूरा अपना प्रोग्राम जो भी है पहले से ही सेट करके आएँ।
बाबा द्वारा कई वर्षों तक जहाँ पर भक्ति करने की वजह से और इस जगह का जो ओरा है वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है और बहुत ही पॉजिटिविटी जहाँ आकर मिलती है। बाबा जी ने 1973 में अपना शरीर त्याग दिया था और कहा जाता है कि बाबा जी सर पर हाथ रखकर अपने भक्तों के दिल में क्या चल रहा है, वो क्या सोच रहे हैं, वो बता देते थे। कहते हैं कि बहुत कम आबादी थी जहां पर, और जो अभी आप पुल देख रहे हैं इससे आगे ऊपर को जाके 50 मीटर तकरीबन एक पुराना लकड़ी का पुल होता था जिससे इस नदी को पार किया जाता था। उस पुराने लकड़ी के पुल से ही बाबा जी ने पुल पार किया था और यहाँ पर बरसों तपस्या की थी। दोस्तों वैसे तो नीम करोड़ी बाबा के मंदिर देश भर में है, लेकिन उत्तराखंड के नैनीताल में बाबा का मेन धाम है जिसे कैंची धाम के नाम से जाना जाता है। मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग बात बतानी चाहता हूँ कि कहा जाता है कि जो स्टीव जॉब्स थे एप्पल के फाउंडर, वो अपने पर्स में हमेशा बाबा की एक तस्वीर रखते थे और जब उनका देहांत हुआ, जब उनकी मौत हुई, तो उनके तकिए के नीचे भी बाबा की तस्वीर रखी हुई मिली। उन्होंने ही बहुत सारे लोगों को कैंची धाम आने के लिए प्रेरित किया था, जिनमें से एक फेसबुक के ओनर मार्क जकरबर्ग भी थे। और मंदिर के आसपास बाहर मेन रोड पर काफी शॉप्स भी अभी ओपन हो चुकी हैं, जो देखिए बाबा की तस्वीरें या कोई भी और लोकेट कुछ भी आपने अपनी कोई जहाँ से कोई साइन कोई निशानी या कोई यादगार लेनी हो तो आप जहाँ से बाय कर सकते हैं। और बस में आना हो तो बस की भी फैसिलिटी पूरी प्रोवाइड है, जहाँ पे बस बिल्कुल कैंची बाबा के मंदिर के सामने ही आपको उतारेगी। और जो अभी आप देख रहे हैं सामने, ये खाना खाने के लिए बहुत अच्छा है, अभी मैं आपको अंदर से दिखाता हूँ। ये देखिए अंदर से, और ये यहाँ का ट्रेडिशनल खाना है, ट्रेडिशनल थाली है, ये आप देख सकते हैं और बहुत अच्छा है। और 200-250 के बीच में आपको ये थाली मिल जाएगी। और ये ट्रेडिशनल जहाँ की मांडवा बोलते हैं इसको, मांडवे की रोटी है। और अभी खाना खाने के बाद हम भी कुछ शॉपिंग करने के लिए नीचे जा रहे हैं, और अभी हम जहाँ से अपने अगले नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए जा रहे हैं। बना रहे हैं आपकी वीडियो बना रहे हैं लोग बाबा जी, थोड़ा खट्टा और डाल सकते हो, सिर्फ खट्टा थोड़ा। बाबा इसको बोलते क्या है? अच्छी चीज है। थैंक यू ऑल, यू वांट अब मजा। यस ये तो मीठे हैं बाबा, ये ना ये तो मीठे हैं, ये पी के देख मजा आ जाएगा। बोलो या नहीं बंद है? बोलो बोलो अभी बोलो। आप पूछे ना मेरे से क्या है? हाँ जी बाबा ये क्या है? ये नींबू है, पहाड़ी नींबू, पहाड़ी नींबू, पहाड़ी नींबू। या दैट वन कॉल्ड माल्टा, MALTA।
MALT माल्टा MALTA MALTA माल्टा जी राइट एंड देन एडेड वाटर ऑन दैट मसाला आई मेक माय सेल्फ इन माय होम ब्लैक सॉल्ट यू कैन हैव गेट इजीली एट होम शुगर लहसुन और ये जगह है बिल्कुल अन्य फिर कैश है ओनली पेटीएम नहीं होगा बाबा जी आपके पास दे देते हैं मीठे में क्या डालते हो जी चीनी स्पाइस है मसाला डालना वो नहीं बढ़िया।